सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। प्रार्थना ऐसा करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। अकेले हैं तो विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हैं तो जुबा पर काबू रखो। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। आज का पंचांग 4 मई 2022 दिन बुधवार, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि, सुबह 7:33 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मृगशीर्षा नामक नक्षत्र सुबह 6:16 तक रहेगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:23 से 2 बजे तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर शाम 4:46 तक रहेगी। इसके उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेगी, और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। कर्क राशि 4 मई 2022 दिन बुधवार, आप आज ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपकी कमियों के बारे में जानते तो हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार करना नहीं चाहते, जैसे कि उनमें खुद में कोई कमियां नहीं है। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें, उन अच्छे लोगों पर अपना ध्यान केंद्रित करें जो आपको पिछले कुछ वर्षों में मिले हैं, और उनसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करें। घर में नवीनीकरण या रखरखाव संबंधित कार्यों की योजनाएं बनेगी। किसी खास संबंधी की समस्या का समाधान निकालने में आपका प्रयास सफल रहेगा। अगर कहीं पैसा फंसा हुआ है तो उसकी वसूली के लिए प्रयास करें, सफलता मिल सकती है। धार्मिक संस्था के लिए आपका योगदान रहेगा। अन्य प्रयत्न पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करने की वजह से जीवन में संतुलन बनता हुआ नजर आएगा। जिन लोगों पर आप अभी तक निर्भर हैं, उन लोगों से प्राप्त हुई मदद को चुकता करने का मौका प्राप्त हो सकता है। जीवन के हर एक बात में खुद को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करें। काम से संबंधित प्राप्त हो रही सूचनाओं पर ध्यान दें। पार्टनर्स को जिम्मेदारियां बांटकर काम करने की आवश्यकता होगी। यूरिन इन्फेक्शन भी हो सकती है। सावधानियां, फिजूल खर्ची तथा दूसरों की गतिविधियों में रुचि लेने से परहेज करें, तथा आवश्यक खर्चों को भी प्राथमिकता दें। अति आत्मविश्वास और ईगो आ जाने से आपके कुछ काम बिगड़ सकते हैं। युवा वर्ग अपने भविष्य संबंधित योजनाओं पर ध्यान देने में सफलता हासिल कर सकते हैं। बात करते हैं लव लाइफ की। घर की व्यवस्था सामंजस्य पूर्ण बनी रहेगी, तथा परिवार के साथ मनोरंजन और लॉन्ग ड्राइव का भी प्रोग्राम बन सकता है। प्यार रिश्ते और परिवार अब आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आज आप अपने बच्चों के साथ कुछ अच्छा समय बिताएंगे। आपको ये याद दिलाया जाएगा या एहसास होगा कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, और इसकी वजह से आप निर्णायक कदम लेंगे। जिसने काफी हद तक आपको परेशान किए हुए था, अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताने के कारण तनाव घटाने में भी आपको मदद मिलेगी, जो आपके मन मस्तिष्क पर हावी था। बात करते हैं करियर की। हालांकि आपको अपने कार्यस्थल पर हास्य और आनंद लेने की कला आती है, परंतु अब आप पूरी तरह से अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आप आज एक गैर जरूरी कार्य में भी गंभीर मुद्रा में रहेंगे। एक सहयोगी की सुस्ती और लापरवाही के कारण आप उनका काम अपने लिए कर सकते हैं, इसलिए आप पर कुछ अनुचित कार्य का दबाव आज बन सकता है। व्यापार संबंधित ज्यादा प्रचार प्रसार करना फायदेमंद रहेगा। नए संपर्क भी स्थापित होंगे। फाइनेंस संबंधित मामलों में किसी भी तरह का समझौता ना करें, और न ही किसी पर भरोसा रखें। ऑफिस में आपकी कार्य प्रणाली उत्तम बनी रहेगी। बात करते हैं सेहत की। हर रोज की एक्सरसाइज और सलाद खा कर आप परेशान हो चुके हैं। अब अपना पसंदीदा खाना खाकर खुद को संतुष्ट कर सकते हैं। यह देखना ना भूले कि अगली सुबह आपको कैसा महसूस होगा। इसका कड़वा सच आपको अगली बार तैली खाना खाने के लालच से बचने में काफी मदद करेगा। आपको अपने शारीरिक एक्सरसाइज को बहुत सारे लोगों के सामने प्रस्तुत करने का मौका भी मिल सकता है। आज का उपाय,
आज अब गणेश भगवान जी को दूर्वा चढ़ाएं शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।